स्वामी जी वो भी थोड़ा लेट हो गया तो भी यहाँ आने वाले हैं। इसके साथ हमारी फिल्म की जो हीरोइन है या लीड रोल करने वाली है डॉक्टर रुचा पई, जिसने ये अभिनेत्री का रोल किया है आज लड़की का, उसको मैं स्टेज पे बुलाती हूँ, डॉक्टर रुचा पई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही हमारा जो 19 अप्रैल को एक रैली हम लोग निकालने वाले हैं, मेकिंग ऑफ स्वयं सिद्धा डॉक्टर्स ऑफ इंडिया, तो इसके लिए मेरी फ्रेंड आई है यहाँ पे, उसमें हनीलाल के दूध के साथ लेना है ये जो कायाकल्प करके चिकित्सा आयोग। थैंक यू मेधा जी मुझे इसमें इनवाइट करने के लिए। और जब मुझे ये फिल्म के लिए बुलाया गया था और जब मुझे स्टोरी सुनाया तो मेरा फर्स्ट सेंशन ये था कि मुझे ये फिल्म करना है, आप ऑडिशन लेंगे? उन्होंने कहा नहीं, ऑडिशन की तो ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ऑडिशन आप ले लीजिए, किसी का भी लीजिए, लेकिन पिक्चर करना तो मुझे ही, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना ब्रिलियंट था। और जैसे मेधा जी ने कहा कि तारे ज़मीन पे यू नो एक बच्चे का उस पर, तो मुझे भी ये लगा था कि ये डॉटर और अनाथ लड़कियों का लड़की का स्टोरी है, तो आई वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ इट। और मैंने कहा कि ऐसे पिक्चर बनेंगे तो बहुत अच्छा होगा, एक सोशल कॉज के लिए है, लोग ये सब पिक्चर देख के बहुत अच्छा फील करते हैं, गुड फील फैक्टर है इसमें, तो आई वॉन्टेड टू डू दिस। मेरा कैरेक्टर अयूब खान, बेसिकली मेरे बड़े भाई का रोल कर रहे हैं अयूब खान एंड पद्मिनी कोल्हापुरे, पद्मिनी कोल्हापुरे जी मेरी भाभी हैं। और इनको एक हिचकिचाहट था कि नहीं हम कोई अनाथ बच्चे को अडॉप्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेके देखते हैं ये चीज़ को कि अडॉप्शन यू नो एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेट मी टेल यू, अडॉप्शन बहुत अच्छी चीज़ है एंड अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखेंगे तो बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है, किसी की लाइफ बन सकती है, आपकी लाइफ बन सकती है। तो ये स्टोरी में हमने दिखाया कि कैसे अयूब और पद्मी इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं है क्योंकि इनका कोई बच्चा नहीं। तो जब ये आइडिया आया कि हम एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, जो हमारे दादाजी जो हमारे फादर है विक्रम गोखले, उन्होंने ये कहा कि हम एक बच्चे को अडॉप्ट क्यों नहीं करते और रादर एक बच्ची को अडॉप्ट क्यों नहीं करते, नहीं रादर उन्होंने उसमें ऐसा कहा था कि फॉस्टर केयर में 20 डेज के लिए उसको लाएंगे, उसको लाएंगे पहले और उसको ये दिखाएंगे कि घर क्या है, रिश्ते क्या है, और तभी उनके दिमाग में ये नहीं होता है कि अडॉप्शन के लिए अडॉप्शन करना है कि नहीं करना, समाज सेवा करके वो लेते हैं। तो एक लड़की आएगी तो वो एक फैमिली को खुशी दे सकती है एंड ऑल दैट, मतलब यहाँ ये था कि लड़के को भी फॉस्टर केयर में ला सकते हैं, बट एक लड़की आएगी तो एक अपनापन रहता है और उस चीज़ को वो लेके आगे बढ़े। 20 दिन के लिए जब रुचा आई घर पे तो मैं कॉलेज में था, मैं कॉलेज से आया था और मुझे इतना अच्छा लगा कि घर पे छोटी सी बच्ची जिसके साथ हम खेल सकते हैं, जिसके साथ हम अपना हैप्पीनेस शेयर कर सकते हैं, एक अलग ही माहौल हो जाता है। जैसे कोई पता है कोई घर पे नहीं हो ना तो उसका वो एम्प्टीनेस फील होता है। तो ये 20 डेज में हम लोग को पता चला कि व्हाट वी वर मिसिंग, लाइफ हम लोग की सबकी अच्छी चल रही थी बट देयर वाज समथिंग मिसिंग, और वो रुचा ने आके उस फिल्म में कंप्लीट किया। और 20 डेज के बाद जब उसको हम वापस उसके इसमें छोड़ दिए तो वी वर सो एम्प्टी, हम लोग को ऐसे लगा कि देयर समथिंग अमिस इन माय लाइफ और यू नो मज़ा नहीं आ रहा है, और घर पे एक बहुत प्यारा सा चीज़ था वो चला गया, so we started missing her so much. करेक्ट, और उससे आपकी लव स्टोरी के बारे में बताइए जरा कुछ। हाँ, तो बेसिकली आई लाइक दिस गर्ल और मैं उसको बता नहीं पाता हूँ, या रादर मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकता हूँ कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ एंड आई वांट टू मैरी दिस गर्ल। तो वो पूरा चीज़ रुचा उसको कैसे घर पे लाती है और कैसे अपने दादाजी बेसिकली विक्रम गोखले और रीमा जी को बताती है कि ये लड़की मेरे लिए अच्छी है और ये घर पे आएगी तो और शादी करेगी तो बहुत अच्छा होगा, तो ये पूरा एक जेस्चर है। और शूटिंग के टाइम में हम लोग इतना मज़ा किया है, वी डिडंट फील लाइक वी वर शूटिंग, हम लोग हंसी मजाक में ये पिक्चर कंप्लीट किए हैं, हंसते रहते थे, कितनी बार तो ऐसा हो गया कि हम गिर पड़ते थे, वहाँ विजू माने जी डायरेक्टर एक्शन एक्शन बोलते थे और हम जमीन
रीमा जी विक्रम जी इतना मस्ती कर रहे हैं कि विजय माने को बोलना पड़ता था भाई थोड़ा तो कॉन्सेंट्रेट कर लो यार. बट इट वॉज गुड फन शूटिंग और बहुत अच्छा लगा. एंड आई होप कि आप लोग ये पिक्चर देखें तो आप लोग को भी उतना ही अच्छा लगे जितना हमको. थैंक यू सो मच. इनको रूचा, मेरा असली नाम भी रूचा ही है. तो जब मैं ये पिक्चर में डिसाइड कर रहे थे कि मेरा नाम क्या होगा, तो जब मुझे पता चला रूचा ही मेरा नाम ये फिल्म में भी होगा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये इसमें ये कैरेक्टर से कोरिलेट कर सकूंगी कि बिकॉज मेरे तो पेरेंट्स है, तो वो जब किरदार करूंगी तो कैसा फीलिंग उस लड़की को होगा, जो बच्चे अनाथ हैं उनको कैसा फीलिंग मिलता होगा, बिकॉज बचपन से ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की उन्हें खुद उठानी पड़ती है. हमें तो पढ़ने के लिए सब माँ बाप खर्चा करते रहते हैं, बट एक अनाथ लड़की की मतलब लाइफ कैसे होगी, ये एक्सपीरियंस मुझे जो मूवी का शूटिंग था तब मैंने बहुत जैसे बताया कि हम बहुत अनाथ आश्रम में जाके उधर बच्चों से मिले कि उनका कैसे लाइफ उधर है, वो देखा लड़कियों को क्या क्या फेस उधर करना पड़ता है, कैसे उनकी ज़िंदगी उधर चलती है, वो हमने देखा. पिक्चर में जो मेरा कैरेक्टर है उसके बारे में बताऊँ तो मैं जब छोटी रहती हूँ तो मेरे दादाजी मुझे उधर छोड़ के चले जाते हैं और मुझे कहते हैं कि बेटा तुम यही रहना, यही अब तुम्हारा घर है, मैं तुम्हें बहुत सालों के बाद इधर लेने ज़रूर आऊँगा तो तुम इधर ही रहना. तो जो वो लड़की के फीलिंग्स रहते हैं जब बचपन में ही उसे लगता है कि मेरे दादाजी बड़े होकर मुझे लेने ज़रूर आने वाले हैं, तो आश्रम सिर्फ मेरा थोड़े दिन के लिए ही घर है. तो इसके लिए जब वो उधर ही मैं मेरा जो कैरेक्टर है उधर मैं पल्ले बढ़ने लगती हूँ, उधर वही मुझे घर लगने लगता है, मतलब आश्रम ही मुझे मेरा घर लगने लगता है. उधर की जो व्यवस्था है अरुण नलावडे जी वो मुझे बहुत प्यार उधर देते हैं. मुझे ऐसे कमी है महसूस होने लगती है कि मेरे माँ बाप नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट में ध्यान हो चुका रहता है जब मैं बचपन में ही है, मुझे पता रहता है. और दादाजी तो बीमार रहते थे इसलिए वो मेरा पालन पोषण नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो लेने आएंगे या नहीं वो भी मुझे इतना पता नहीं, बट उनका जो एक सेंटेंस रहता है कि नहीं मैं तुम्हें ज़रूर लेने आऊँगा, वो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि नहीं कुछ भी हो जाए मेरे दादाजी तो मुझे लेने आने ही वाले हैं. बट जो व्यवस्था है वो कहते हैं कि नहीं, इस लड़की को पता चलना चाहिए कि परिवार क्या है, रिश्ते क्या है, माँ बाप क्या होते हैं, दादा दादी क्या होता है, मतलब ये जो रिश्ते हैं कैसे एक फैमिली क्या होती है, ये उस लड़की को पता चलना चाहिए. इसलिए वो मुझे 20 दिन के लिए फॉस्टर केयर के थ्रू शास्त्री परिवार में मुझे भेजते हैं. उधर विक्रम गुप्ते जी और रीमा लागू जी दादा दादी रहते हैं उनके साथ, विक्रम जी मुझे बहुत पहले से ही प्यार देने लगते हैं कि तुम आओ रहो, कैसे फीलिंग्स होते हैं, हम तुम्हें सब प्यार देंगे. रीमा जी को दोनों बच्चे ही रहते हैं, मतलब लड़के ही रहते हैं, तो उन्हें भी एक लड़की क्या होती है, उसका फीलिंग क्या होता है, वो चाहिए होता है, इसलिए वो भी बहुत खुश होती है कि एक लड़की घर में आने वाली है. बट उनके जो बड़े बेटे रहते हैं आयुब खान और पद्मिनी जी, वह जो उनकी बहू रहती है, उन्हें वो इतने बिजी रहते हैं अपने करियर के, इतने बिजी रहते हैं करियर में कि उन्हें बच्चा नहीं चाहिए होता है एट दैट टाइम. बट एक बड़े होने के नाते विक्रम जी और रीमा जी को लगता है कि नहीं अभी नहीं सेटल होना चाहिए, हमने अपनी फैमिली खुद की बनानी चाहिए. तो फिर बाद में उधर सब एक परिवार जैसा लगने लगता है. 20 दिन उधर मैं रहती हूँ, बाद में 20 दिन में मुझे फैमिली क्या होती है वो सब पता चलता है, बट फिर भी लगता है कि मेरे दादाजी तो आने वाले, तो ये तो मेरी फैमिली नहीं है. तो मैं 20 दिन के बाद अपने आश्रम में वापस चली जाती हूँ. उनको बहुत दुख होता है. फुल कैसा स्वागत कर रही है. वेलकम चांदी. मिलिन इंग्रजी जींचं स्वागत रुचा यांना करायला सांगते. विनोद सिंग प्लीज कम ऑन स्टेज. मिलिन इंग्रजींचं स्वागत करते आहे रुचा. किशोर कदमना पण स्टेजवर बोलवते, कारण मगाशी आपण थांबलो, किशोर कदम निघालेले आहे. विनोद सिंग द हिरो ऑफ द फिल्म. शी इज नॉट हिरोईन, she is daughter in different roles.
उनकी हिरोइन अलग है. शान जी को ये जो पिक्चर का गाना उन्होंने गाया है, पांच लगाएंगे. वीडियो सीडी है ना, वीडियो सीडी प्रोजेक्टर जी, 15 सेकंड का चार प्रोमो है ना, असल का पटकन पे लाओ, 15 सेकंड का ही है, ज्यादा नहीं है करना है, ये कट करने के लिए रखा है. प्लीज क्लैप फॉर द एल्बम ओपनिंग. नहीं बिल्कुल, फिल्म का नाम ही इतना खूबसूरत है और मेरे भी दो बच्चे हैं, हमेशा सोच रहा था डॉटर हो लेकिन हो तो दो बेटे ही हुए हैं, लेकिन होपफुली डॉटर भी आएगी जिंदगी में बहुत जल्दी. अगर ऐसे नहीं तो बेटे लाएंगे एट सम पॉइंट. लेकिन बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ कि इस सब्जेक्ट पर ये फिल्म बन रही है, जहाँ हमारे देश में शायद हम में से जो शहर में रहते हैं या जो अपने ज़िंदगी में रहते हैं उन्हें ये बात बहुत अजीब या ऑड लगती है कि लोग बेटे बेटी में यू नो डिस्पैरिटी करते हैं, इनइक्वालिटी करते हैं, लेकिन जो फैक्ट बताती हैं हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. और बेटी बचाओ आंदोलन जो ये आंदोलन है उसमें जितना भी काम हो उतना कम है, और अगर फिल्म में उस सब्जेक्ट पर बात हुई है तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, एक ठोस कदम है. वरना फिल्मों में एंटरटेनमेंट और सेंसेशनलिज्म इन पर सब्जेक्ट पे पिक्चरें बनती हैं, लोग जाके देखते भी हैं, बहुत मज़ा लेते हैं, लेकिन आई थिंक वी शुड हैव अ हार्ट इन द राइट प्लेस एंड यूज फिल्म एज अ मीडियम वेयर वी कैन यू नो टॉक अबाउट द राइट इश्यूज. मैं बहुत खुश हूँ कि मैम सब मिलकर इस तरह की एक फिल्म बनाए हैं, जहाँ बताते हैं कि अगर आप बेटी अपनी भी नहीं है लेकिन आप उन्हें अडॉप्ट करो, उन्हें एक नई ज़िंदगी दो, उन्हें खुशियाँ दो, और फिर देखिए कि वो आपके लिए यू नो इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं. और कहते हैं कि क्या बोलते हैं वो, सन इज अ सन टिल ही हैज अ वाइफ बट अ डॉटर इज अ डॉटर ऑल फॉर ऑल हर लाइफ, इजंट इट. तो ये बात सही है और मैं बहुत खुश हूँ. और ऑफकोर्स मैं आज खास कोई शान बनकर नहीं आया हूँ, मैं बस मिलन जी के एक पुराने दोस्त हैं और उन्होंने बस फ़ोन किया, बोला आना है तो मैं पहुँच गया, थोड़ा सा लेट पहुँचा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट आई एम सो हैप्पी दैट म्यूज़िक इज़ आउट. और ऐसे म्यूजिकल लोग जिनमें मतलब एक रंग रंग में जिनमें म्यूज़िक है कि आवाज़ में इतनी मिठास है, इनकी म्यूज़िक में एक पोइट्री है, तो ऐसे लोगों का म्यूज़िक सामने आए तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर म्यूज़िक. एंड सो आई विश मिलन निंगले जी ऑल द वेरी बेस्ट दैट द म्यूज़िक इज़ अप्रिशिएटेड एंड लव्ड. और क्योंकि आपने मेरा गाना प्रोमो में नहीं सुना लाइव गा देता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल वो भी तो थी जिंदगी ये भी तो है, हाँ भी थी वो जिंदगी ना भी तो है. दो लाइन में अगर बात कह सकते हैं तो फिर लंबा गाना क्या है, यही है. थैंक यू. अरे हाँ, गोड़ गोड़ खा, गोड़ गोड़ बोला, गोड़ गोड़ संगीत लोगों के सामने रखा. आई का है वेलकम. शान जी से आप कुछ पूछना चाहेंगे तो भी पूछ सकते हैं. इनका गाना बहुत सुंदर हुआ है, सदियों तक याद रहेगा, इतना मैं आपको कह सकती हूँ. जरूर कुछ पूछना भी रहेगा तो यू प्लीज इंटरव्यू कर लेते हैं, पर्सनल इंटरव्यू कर लेते हैं. श्योर. एंड थैंक यू आप सब लोग यहाँ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी आपने ले ली. तन्वी हर्बल मेरा आनंद विश्व गुरुकुल स्कूल है, ये जाना नहीं है लेकिन पहले डॉटर को सबसे आगे लेके जाना है. और मुझे पता है कि ये ग्लोबल सब्जेक्ट है, कहती हूँ कि आप बड़े खुशनसीब हो कि आपको माँ बाप है. जिनको माँ बाप नहीं है, घर नहीं है,
वो क्या महसूस करते हैं ये देखने के लिए ये फिल्म देखी है, उनका दर्द महसूस कीजिए और उनके साथ अपना प्यार बांटिए। धन्यवाद। वैसे भी इस तरह की फिल्में हम दोस्त लेकर गए थे तो जाके देखा, पागल हो गया है। रोल शान, सबसे पहले तो आपके गाने के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से कनेक्ट करेगा ये फिल्म से गाना, क्योंकि सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, ये गाना काफी अलग अलग सिचुएशंस में गाना आता है और गाना एक्चुअली यही है कि एक लड़की जब अनाथ आश्रम में पलती है और फिर एक किसी के घर में आती है तो एक अलग खुशी होती है, एक अलग जिंदगी होती है, तो उस तरह से ही गाना सजा गया है। शब्दों में ही आप समझ पाते हैं कि वो भी थी जिंदगी, ये भी है, हाँ भी थी जिंदगी में, ना भी तो है, तो उस तरह का गाना है। बहुत प्यारा गाना है और बहुत अच्छा मेलोडी है, वेरी वेल क्रिएटेड। एंड मिलिंद इंग्ले जी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, सो आई एम हियर एक्चुअली जस्ट टू विश हिम ऑल द बेस्ट विद हिज म्यूजिक। सब्जेक्ट की बात करें तो आजकल बेटियाँ सेफ नहीं है, तो क्या लगता है कि आप क्या मानते हैं इस बारे में, क्योंकि आपने अभी कहा कि आपके दो बेटे हैं, आपकी बेटियाँ नहीं हैं, तो कितना मिस करते हैं अपनी लाइफ में बेटी को? बिल्कुल, मुझे बहुत उम्मीद थी कि पहले बेटे के बाद, चलो पहले सोचा था बेटी होगी लेकिन बेटा हुआ, लेकिन सेकंड टाइम लगा था इस बार तो बेटी होगी ही होगी, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन दो बेटों के बाद ये डर था कि फिर से अगर और एक लड़का आए ज़िंदगी तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाएगी। दो हैं फिर भी मेरे सर पे बाल है, ये बहुत है, तो उस डर से मैं आई थिंक हम दो हमारे दो के आते भी रखवा रुकवा हूँ। बट आई थिंक बेटियाँ ऑफकोर्स, मैं मेरे दोस्त हैं जिनकी बेटियाँ हैं, तो जो एक फादर डॉटर का जो रिलेशनशिप है बहुत ही प्यारा है। बेचारे बेटे बहुत निगलेक्टेड हो जाते हैं उसके बाद, मैंने देखा है, लेकिन ऑफकोर्स बेटियाँ बहुत खुशी लाती है, बेटियों में एक अलग अफेक्शन होता है। और इस फिल्म में वही बात है कि किसी ने कहा ना कि सन इज़ अ सन टिल ही हैज़ अ वाइफ एंड डॉटर इज़ अ डॉटर फॉर लाइफ, तो उस तरह की चीज़ें हैं। और साथ साथ ये भी है कि जब आप किसी एक बच्ची को एक नया घर मिलता है, एक माँ बाप मिलती है, तो उसको भी एक सिक्योरिटी मिलती है, एक खुशी मिलती है। सो आई थिंक एज पेरेंट्स, इफ़ यू कैन, if it's possible and you want to adopt, I think it's a great thing that you should do. Meri wife kafi time se mere piche lagi hai, adoption karo karo karo, lekin it's quite complicated. So tum log apni taraf se, you know, there are many NGOs that you support and you do these things, to us tarah se karte hain. Film ki exact story kya hai mujhe nahi pata, lekin agar it's about beti bachao andolan par hai to ye bahut achhi baat hai, kyunki hum jitna kare utna kam. Aur actually kya hai ki main ek cheez manta hu ki jab tak aap mankind, yani हम लोग डिस्पायर नहीं करते कि लड़कियों, यू नो, वेमेंस इमेंसिपेशन या लड़कियों को हम अपने हकों के बारे में और जिम्मेदारी करें और समझाएं, बताएं, लेकिन जब तक जो इंसान यानी मर्दों को भी उनकी हक ना समझे आए, व्हाट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ दे शुड बी, अंटिल यू वर्क फॉर द लिबरेशन ऑफ मैनकाइंड, जस्ट वर्किंग लिबरेशन फॉर वुमेन डजंट मेक एनी सेंस, इट्स हाफ द स्टोरी। जैसे कि आपने लिबरेशन की बात की, तो अभी जो है कहा जाता है कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से लड़कियों को वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये लड़की की गलती है कि रेप हो रहा है, तो आप क्या मानते हैं इस बात? नहीं देखिए, ऐसी स्टूपिड बातों के बारे में आपका सवाल भी पूछना, मेरा जवाब देना, आई थिंक ये मुनासिब नहीं है। हम जिस युग में रहते हैं, आई थिंक ऐसी बातें करना बहुत स्टूपिड है। साथ साथ एक बात मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि एक इंसान या एक जो एक ये
मर्द क्या कहें इनको, मतलब जो भी ये जो आदमी है, ये जो इनकी मनोवृत्ति में ये जो बात आती है, ये बात भी कैसे आती है मैं नहीं जानता। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि जो डिजिटाइज हो चुकी है चीज़ें और आप आपके जो मतलब फ़ोन पर हर चीज़ में ये सारी चीज़ें आ गई हैं, सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये और फिल्मों में भी जिस तरह से नुमाइश होती है, यू नो आई थिंक इट्स इन्फ्लुएंसिंग द माइंड्स ऑफ द ऑलरेडी इविल माइंड जो है, उसको उस आग को और फ्यूल मिल रहा है। सो आई थिंक इस चीज़ को थोड़ा सा कटेल करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर थोड़ी सी मॉरल पुलिसिंग डिजिटाइज्ड वर्ल्ड में हो रही है तो ये सही चीज़ है, क्योंकि ये बहुत आसान हो गया है। आज पहले क्या था, एक शर्म था सबके सामने, मैं कैसे ये कर सकता हूँ या ये कैसे कर सकता हूँ, लेकिन अभी वो क्योंकि फ़ोन की आड़ में हर के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो क्या क्या चीज़ें उस फ़ोन में देख रहा है, सुन रहा है, उसके माइंड में कैसी चीज़ें हो रही हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एंड विच इज़ वाई नो वुमन फील सेफ इन एनी एटमोसफियर टुडे, क्योंकि एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक चीज़ें थी, एक मॉरल व्यू पॉइंट थी, वो चीज़ बिखर जा रहा है। और इसमें लड़कियों का क्या गलती है मैं समझ नहीं आ रहा है इसमें, बट बहुत लंबी कहानी है, अभी क्या मैं आपको बताऊँ, अभी फिर किसी और दिन। हाँ, लेकिन साथ साथ ये बात सही है कि कहीं लड़कियों को लगता है कि अरे मैं जो चाहूँ करूँगा करूँगी, मैं जैसे लाइफ को लीड करना चाहूँ मैं करूँगी, चाहे लड़की हो लड़का हो, अगर आप आग के साथ खेलोगे तो आप जल सकते हो। सो इतनी सिंपल सी बात है, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू कैरी मे बी अ वेपन ऑफ प्रोटेक्शन, यू हैव टू मेक श्योर मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ। अगर आप रेकलेसली जीना चाहती हैं और फिर भी आप चाहती हैं कि कोई कुछ ना हो, लड़की हो या लड़का हो, ये सिर्फ लड़कियों पर लागू नहीं होता, इवन लड़के अगर रेकलेसली ड्राइव कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, दारू ले रहे हैं, दे गोना हैव अ रॉन्ग इफेक्ट ऑन दैट, सेम गोज़ फॉर गर्ल्स। सो वो माई चॉइस कहकर आप जो चाहे करें, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो डायरेक्टली आप नहीं, दीपिका पादुकोण को पॉइंट आउट करना है किसी, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि आज की ये जो जनरेशन की जो सबक है, इसमें देर आर सो मेनी सोशल इश्यूज दैट यू कैन एड्रेस, यू कैन टॉक अबाउट, विच वुड हेल्प द यूथ। नो, यू टॉक अबाउट सेल्फलेस एक्ट्स, यू टॉक अबाउट हेल्पिंग पीपल हु डोंट, हु आर नॉट सो फॉर्चुनेट, द लेसर फॉर्चुनेट, इससे आपको वाकई में मन में आपको खुशी मिलती है, आपको लगता है कि मैं जिंदगी मेरी, मैं आया हूँ दुनिया में, मैं कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ, किसी एक किसी को कुछ अच्छा, यू नो, किसी के लिए कुछ सेवा करके जा रहा हूँ, इट्स अ नाइस थिंग, आप करते रहो वो अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ खुद के लिए जीना, खुद की जो पसंद है मैं वही करूँगी या करूँगा, चाहे लड़की हो लड़का है, आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस, वी लिविंग इन अ सोशल वर्ल्ड, और ये चीज़ें हानिकारक हैं इन चीज़ों से। उससे पहले ही उन्होंने डिप्रेशन पर जो बात कही, दैट स्टिल मेक सेंस, लेकिन इन चीज़ों से आपकी डिप्रेशन बढ़ने वाली है, बिकॉज इफ़ यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट एंड ऑल यू वॉन्ट इज़ वॉन्ट, देन इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। कहीं ना कहीं संतुष्टि, कंटेंटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट कॉम्प्रोमाइज, इट इज़ जस्ट अबाउट वॉन्टिंग पीस ओवर पावर। वी कांट कीप मूविंग फॉर पावर ऑल द टाइम, पावर विल जस्ट मेक अस मोर हंग्री, मोर क्रेजी। मैं देख रहा हूँ कि यूथ ओनली वॉन्ट मोर पावर, दे वॉन्ट टू हैव मोर कंट्रोल, दे वॉन्ट टू लीड द लाइफ द वे दे वॉन्ट इट, देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज इज अ हॉरिबल इविल वर्ड, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। आप किसी और के लिए कुछ करेंगे आपको उससे खुशी मिलेगी, आप करके तो देखिए, खुद के लिए जीना तो बहुत आसान है। आजकल जैसे देख रहे हैं कि ज़्यादा करके जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनकी मूवी में खुद ही गाना पसंद करते हैं, तो इसके लिए पर क्या? तो अच्छी बात है ना, अगर अपनी मूवी खुद गा रहे हैं, वेस्ट में ऐसा ही होता है, सब गाते हैं, और आजकल उस तरह की गाने भी और सिंप्लीफाइड हो गई हैं, और अगर खुद गा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, और इसे और इनक्रेज करना चाहिए, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स शुड पुश एक्टर्स टू सिंग फॉर देमसेल्व्स। इसी से रिलेटेड एक सवाल आपने पूछी, आपकी फिल्म आई थी जिसमें आपने एक्टिंग की और उसी में गाना भी शायद आपने गाया था, कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि आप एक्टिंग में एक बार फिर से दिखाई देंगे एक्टिंग? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो बस दोस्ती में हुआ था और मज़ा आया, एन्जॉयड द होल एक्सपीरियंस। लेकिन मैं इतना सोचता नहीं हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हाँ जो ठीक लगे। हाँ, एक फिल्म में कोई अश्लीलता नहीं थी, कोई यू नो इट वाज अ सिंपल स्वीट कॉमेडी, लोगों ने देखी भी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा आया, एंड आई एम हैप्पी दैट अगर मेरे बच्चे भी देखें तो दे वॉन्ट बी यू नो। हाँ, उसमें मैंने एक सीन में लड़की बना था, वो थोड़ा सा मेरे लड़के देख के बोले कि ये क्या चक्कर है, अजीब सा कॉमेडी था वो थोड़ा सा, लेकिन आई थिंक उस हद तक चलता है। अभी सिंग इज ब्लिंग फिल्म आ रही है, उसमें गाना है पीके का गाना, लोगों ने बहुत पसंद किया चार कदम, लेकिन आजकल गाना कौन सा है, जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं होती है ना, कहना मुश्किल होता है, क्योंकि गाने बदल जाते हैं, सिंगर बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो मैं बस क्या कहते हैं वो, करो भूल जाओ
फल की क्या था वो गीता का लाइन, हाँ बस जाते आते दो लाइन हो जाए। वो भी तो थी जिंदगी ये भी तो है, हाँ भी थी वो जिंदगी ना भी तो है। शायद एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि हाल ही में शशि कपूर साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा, कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? मैं बहुत छोटा इंसान हूँ यार इन सारी बातों पे कमेंट करना, और ये बहुत अच्छी बात है। और उन्हें ऐसे जो हमारे लेजेंड्स हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, जिन्होंने कितना कुछ किया है, शशि कपूर जी इज़ एन इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ, चाहे थिएटर में हो, चाहे फिल्मों में हो, चाहे एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, इज़ अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट वेरी चार्मिंग हैंडसम हीरो, और उन्हें अवार्ड मिला है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें सबकी वही राय होगी। एक मैं अपने बारे में एक बात कहना भूल गया था कि हाल ही में हम लोग अभी कंपोजिंग कर रहे हैं, मैंने एक इट्स न्यू नेम सुपरबिया, सुपरबिया के तहत काफ़ी फिल्मों में हम लोग म्यूज़िक कर रहे हैं, और आने वाले सालों में आप ज़रूर उन गानों को सुनेंगे देखेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट सुपरबिया एंड होप दैट इट डज वेल। थैंक यू सो मच।